अभी हाल फिलहाल में मैं ऋषिकेश गया था। वहाँ से एक सनराइज़ पॉइंट पे हम गए थे, तो वहाँ एक बहुत अच्छा मौका बना था जहाँ हम सूरज को उगता हुआ देख रहे थे। जब सूरज नहीं उगा था, बहुत अच्छा लग रहा था, क्या प्यारी रोशनी। जैसे जैसे वो उगता गया, बेहद सुंदर, बहुत अच्छा लगने लगा। पर जैसे जैसे वो ऊपर जाते गया, उसकी रोशनी तेज होने लगी और हमें वो चुभने लगी। सूरज उगने के आधे घंटे के बाद ही हमें वो सूरज नहीं भा रहा था, जिसके लिए हम इतना दूर का सफर तय करके आए थे। सिर्फ आधे घंटे बाद ही वो हमें चुभने लगा था, हमें उसकी रोशनी से इरिटेशन होने लगा था। तभी एक चीज अंदर से आया, ख्याल आया कि हम सब ऐसे ही तो हैं। जब भी हमारी जिंदगी में कोई ऊपर उठने लगता है, या हम ही अपनी जिंदगी में ऊपर उठने लगते हैं, आगे बढ़ने लगते हैं, चाहे अपने काम में हो, चाहे अपनी पढ़ाई में हो, चाहे अपनी जिंदगी में हो, अध्यात्म में हो, खूबसूरती में हो, बॉडी बिल्डिंग में हो, किसी भी क्षेत्र में जब हम आगे बढ़ रहे होते हैं, तो अपने अपनों की ही आंखों में चुभने लगते हैं। चाहे वो आपके अच्छे दोस्त हो, चाहे रिश्तेदार हो, चाहे वे सारे लोग जिन्हें आप अपना माना करते थे, आप उनकी आंखों में चुभने लग जाते हैं। अचानक से वो आपके दुश्मनों जैसा आपसे बर्ताव करने लग जाते हैं। तो जीवन का ये सत्य है, मादर प्रकृति हमें ये सिखाती है कि जब भी आप आगे बढ़े, अपने आप को सबसे ज्यादा प्रोटेक्ट करने की जरूरत है आपको अपने अपनों से। बहुत करीब वाले अपनों की बात नहीं कर रहा हूं, जो आप समझ रहे हैं ना, एक दायरे के बाहर वाले जो अपने होते हैं, जो अपने आप को अपना प्रिटेंड करते हैं, अपने आप को हितैषी दिखाते हैं, पर असल में सबसे ज्यादा जलनखोर वही होते हैं। तो अपने जब भी आप आगे बढ़ रहे, सबसे पहले तो अपने आगे बढ़ने को छुपा कर रखो, हल्ला करना बंद कर दो कि आप आगे बढ़ रहे हैं, बड़ी बड़ी चीजें खरीद कर दिखाना बंद कर दो, छुपा कर रखो अपने सक्सेस को, सेव करके रखो, और जब एकदम बड़ा हो जाए तब अपने आप को शो करो, ताकि तब वो आपका कुछ बिगाड़ ही ना पाए, है ना। तो क्या सीख है आज की, कि खुद को बढ़ाइए, बढ़ने दीजिए, लेकिन छुपा कर रखिए। बिल्कुल वैसे ही जैसे बादलों के पीछे से सूर्य अगर उगता जाए, उगता जाए, उगता जाए, तो किसी को पता ही नहीं चलेगा कि सूर्य उग रहा है, और सब लोग बिल्कुल सहज होकर आपके आसपास रहेंगे। और जब बादल एकदम से छटेगा और सूर्य एकदम आसमान में सीधे कोण बनाकर, 90 डिग्री की कोण बनाकर 12 बजे वाला सूरज जब दिखेगा, तब वो आपसे ना जल सकते, तब वो ना आपका कुछ बिगाड़ सकते, वो सिर्फ और सिर्फ आपके रिस्पेक्ट कर सकते हैं। ठीक है, लिख लीजिए। नमस्ते है जी।